सेवेंथ क्लास में। किस लिए आए हो आज? बहन जी की रैली में, मास्क कुछ भी नहीं, बहन जी की रैली में आए हम। हम मिलियन के जाएंगे, बता के जाएंगे। अच्छा, कैसे बताओगे? इस बार जीत योगी को ऐसे, इस बार हमें जीतना है, जीतना है तो जीत नहीं है। हाँ, जिंदाबाद बहन तुम्हारी, मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा हर्षित, हर्षित नाम है। कौन नेता आ रही है आज? मायावती जी। मायावती जी आ रही है? हाँ। मायावती जी क्यों तुम्हें अच्छी लगती है? मायावती जी हाँ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारे है जो लोग हैं उनके लिए मदद करती हैं। अच्छा राज करती हैं? हाँ, और अच्छा लगता है कि वो सब उनकी मदद करती है और यही अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। और कौन कौन से नेता हैं देश में बताइए? योगी और मोदी, अखिलेश यादव। अच्छा। और भाजपा। सबसे अच्छा नेता कौन सा है? बीएसपी मायावती जी। अच्छा। वही अच्छे लगते हैं। और बीजेपी नहीं लगती? नहीं, बीजेपी मुर्दाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब कुमार है और मैं बसपा से युवा कार्यकर्ता करता हूँ, पिरानगढ़ी वार्ड नंबर 8 से। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा जो आज बहन जी के शासन प्रशासन में जो आज बहन जी आ रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बहन जी हमारे लिए कुछ करने के लिए आ रही हैं। चुनावों का माहौल भी पास आ रहा है और बहन जी की सरकार में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए। कैसे कैसे काम हुए बताइए, क्या क्या काम हुआ है? मतलब कि जो है ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पानी की व्यवस्था, नगर निगम का हर काम, और वैसे भी जो बिजली की फ्री, हर चीज़ फ्री हुई है बिल्कुल। और योगी की सरकार में गरीब से गरीब इंसान और अमीर से सब चीज़ जो है ना बिल्कुल बेकार कर दिया उन्होंने, रोजगार भी। लेकिन राशन तो दे रहे हैं ना वो? राशन देने से क्या होता है? राशन तो हम भी दे देंगे, बहन जी भी दे देंगी राशन, तो राशन तो बहन जी भी दे देंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा। योगी और मोदी की सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहन जी की सरकार में इतना सब कुछ हुआ है कि बहुत कुछ। लेकिन लोग नारे देते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो तो सब एक जो है ना उनकी बस उनका चाल है, चाल बोलती है। मोदी जो है वो उनको पैसे दे रहा है और बिजली फ्री दे रहा है, तो इसलिए सब उनको वोट दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो? वो जो मोदी है वो सबको बिजली फ्री और पैसे देते हैं। सब तो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, छोटे छोटे बच्चे भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बिजली वगैरह फ्री मिलती है, इसलिए वो उन्हें कुछ चीज फ्री मिल रही है तो इसलिए वो वोट देते हैं। हाँ। एजुकेशन चल रही है आपकी? नहीं। अच्छा। सरकार आएगी तो नौकरी जरूर मिलेगी, अगर बीजेपी आएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी क्यों नहीं देगी? बहन जी की सरकार में जो है ना एक एक बंदे को रोजगार मिलेगा। बहन जी ने वादा कर रखा है कि अगर मैं जीतूंगी तो हर समस्या का हल करूंगी और सबको नौकरी दूंगी, रोजगार दूंगी, हर चीज टाइम से पहले आप लोगों के लिए मैं संपूर्ण कार्य में पूरा करूंगी। लेकिन वोट तो हिंदू मुस्लिम पे मिलता है ना आजकल? हिंदू मुस्लिम अब एक हो गया, हिंदू मुस्लिम अब एक हो गया, और हिंदू की भी मुस्लिम की भी और गुर्जर समाज की वोट सारी बसपा को जा रही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया आज मांगे कि कौन इतना बढ़िया कार्यकर्ता, तो उन्होंने देखा कि बसपा के कार्य में, बसपा की उसमें, बीएसपी की पार्टी में इतना अच्छा कार्य होता है जो कि आज तक की किसी की भी सरकार में नहीं होता, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, सबकी पार्टी में काम करके अगर हम लोग देखेंगे तो बर्बादी हो जाएगी, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और जब तक योगी रहेगा हमारे देश में जब तक हमारी बर्बादी है। और बहन जी को हमें 5वां मुख्यमंत्री बनवाना है, और जो ये बच्चों के पेपर होते हैं ये योगी कैंसिल करवा देता है जानबूझ के, जो कि होते हैं ये बीएड टीचर, हाँ ये जो होते हैं इनको जानबूझ के वो कैंसिल करवा देता है, रद्द करवा देता है, नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है बीजेपी के में, और बीएसपी जीतेगी तो मिलेगी नौकरी। पढ़ाई तो चल रही है? एक मिनट, पढ़े अभी नहीं चलेगी, जब बीएसपी। बहन जी को 5वीं बार पुनः मोहब्बत के साथ में मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग बिल्कुल लेके आएंगे अब की बार। किसी में ताकत नहीं है कि कोई बहन जी को आने से रोक दे, 10 तारीख को सबकी वोट बसपा पे जाएंगी और 10 मार्च को सबका सफाया हो जाएगा। अब की बार बहन जी की सरकार कोई किसी में रोकने की ताकत नहीं है जी। जो टीवी मीडिया है वहाँ बहन जी की खबरें कम आती हैं, कम आते हैं उनको, वो ऐसा है ना बहन जी के शासन में मीडिया वगैरह हम लोगों की चर्चा तो होती है लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो पाती। बीजेपी की क्या, उसे नोट पकड़ा दिए, उसे पैसे दे दिए, हमारे सरकार में हर एक अधिकारी एक एक रुपया लेने से जो है ना डरता, आज भी और पहले भी डरता था, इसलिए हम बिल्कुल अपनी मेहनत और लगन से जीतते हैं
और हम बहन जी को इस बार पूरी मेहनत से जिताएंगे, पांच बार जिताएंगे, पांच बार जिताएंगे और ऐसे आगे जिताते रहेंगे।